सो हे गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मैक्लियोडगंज। दिस इज़ कुनाल एंड यू आर वॉचिंग यात्री नामा। सो गाइज, आज मेरा दूसरा और आखिरी दिन है मैक्लियोडगंज में। तो कल मैंने घूमा था धर्मशाला और मैक्लियोडगंज की कुछ प्लेसेस। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर। सो गाइज, आज जो मेरा प्लान है, जो यहाँ का मैक्लियोडगंज का मेन जो बचा हुआ है, आज मैं वो कवर करने वाला हूँ। सो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैक्लियोडगंज में आप एक दिन में क्या क्या कर सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं यहाँ पे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मैं देने वाला हूँ। फिलहाल मैं अपने हॉस्टल में हूँ और अभी टाइम हो रहा है 8:15 हो गए हैं, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भागसू नाग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और घूमते हैं मैक्लियोडगंज। सो गाइज, अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ भागसूनाग टेम्पल और भागसूनाग का वाटरफॉल देखने। तो जिस एरिया में मैं रुका हुआ हूँ वो भागसूनाग का एरिया है, तो मेरे यहाँ से तो बिल्कुल पास में ही है यहाँ से। और इस एरिया में ही दोस्तों आपको बहुत सारे होटल्स, हॉस्टल्स एंड रेस्टोरेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करते के साथ ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा ये पुल। ये देखिए, ये है भागसूनाग का पुल। और मेरे पीछे आप जो वो देख रहे हैं वहाँ पे, वो है यहाँ का भागसूनाग का टेंपल, जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं और ये जो पुल है काफ़ी सुंदर है ये भी। और आप चाहें तो यहाँ पे स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे स्विमिंग भी होती है, तो आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी ठंड है तो अभी तो कोई नहीं करेगा, बट हाँ, अगर आप गर्मियों वगैरह में आ रहे हैं तो आप यहाँ पर स्विमिंग भी कर सकते हैं। और इस पुल के पास से ही शुरू हो जाता है ये वाटरफॉल का रास्ता। तो दोस्तों, अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है और कुछ आधे किलोमीटर का ट्रैक है बस। तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगेगा। अभी हो रहे हैं 9:20, तो देखते हैं मेरे को कितना टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में। और दोस्तों, अगर आप थक जाएं तो यहाँ पे बीच बीच में बैठने की सुविधा भी उपलब्ध है, तो जहाँ बैठ के आप थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो ऑल राइट गाइज, मैं फाइनली पहुंच गया हूँ भागसूनाग वाटरफॉल। यू कैन सी इट बिहाइंड मी, काफ़ी बड़ा है और बहुत ज़्यादा पानी है। और यहाँ पे कोई क्राउड वगैरह नहीं है, खाली है, सिर्फ दो तीन जने बैठे हुए हैं। तो चिल करेंगे अब यहाँ पे और दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ के नज़ारे सारे। और गाइस, यहाँ पे इस वाटरफॉल पे मेरे को एक कपल मिला है, ये देखिए। हेलो भैया। हेलो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे आ रहे? नहीं आ रहे? कहाँ से हो आप लोग? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से, अच्छा। तो कैसा कैसा लग रहा है? मतलब सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पे वाटरफॉल के बाद? बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही, बहुत सही। हाँ, मैगी तो खैर क्या ही बात है, बिल्कुल बहुत सही। सो गाइज, ये था भागसूनाग का वाटरफॉल। काफ़ी एंजॉय किया मैंने, बहुत मज़े आए यहाँ पे। और भीड़ भड़क का था नहीं, इसलिए और ज़्यादा मज़े, एंजॉय, आराम से फ़ोटो खिंचवाओ, बढ़िया। जो यहाँ पे भीड़ है वो 12:00 बजे के बाद आती है, शाम तक रहती है, 6:30 अंधेरा होने से तक। और ट्रैक भी है जो, वो काफ़ी ईजी है, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ आधा घंटा लगेगा और चिल मारते हो आओ। सो अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ और मैक्लियोडगंज की तरफ, चलिए चलते हैं।
सो दोस्तों, भागसूनाग से अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ मैक्लोडगंज के मेन मार्केट में। भागसूनाग में और कुछ भी नहीं है, बस इसी के लिए यहाँ आते हैं लोग। तो यहाँ से मैक्लोडगंज का जो मेन मार्केट है वो 1.5 किलोमीटर है। तो मैं महज पैदल पैदल जा रहा हूँ क्योंकि कैब वाले जो हैं वो 200 रुपये मांग रहे हैं। तो यार पैदल पैदल ही आप जा सकते हो इसलिए, तो मैं पैदल पैदल ही जा रहा हूँ। सो गाइज, अब मैं आ गया हूँ मैक्लोडगंज के मार्केट में। ये यहाँ का मेन मार्केट है एंड इट्स कॉल्ड मैक्लोडगंज स्क्वायर। सो गाइज, यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको होटल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स और जितने भी खाने पीने की स्ट्रीट फूड की जगह है, यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, बात करें अगर इस मार्केट की, तो यहाँ से कई सारे रास्ते अलग अलग जगह जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों, अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये जो जा रहा है रास्ता, ये जा रहा है धर्मशाला के लिए, और इस साइड अगर आप देखेंगे तो ये जा रहा है डल लेक के लिए, और सामने जहाँ से अभी हम आए हैं वो है भागसूनाग के लिए, और जो इस साइड आप देख रहे हैं रास्ता, ये जो जा रहा है ये है दलाई लामा टेम्पल के लिए। सो ये है पूरा मैक्लोडगंज का स्क्वायर। और दोस्तों, वो देखिए, वो रोप वे दिख रहा होगा आपको। तो ये धर्मशाला टू मैक्लोडगंज रोप वे बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। तो आप एक महीने बाद लाइक फ्रॉम जनवरी आप धर्मशाला से मैक्लोडगंज थ्रू रोप वे भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सही हो जाएगा यार, बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो गाइज, ये आप देख सकते हैं, ये है दलाई लामा टेम्पल, बट ये अभी बंद है। ये एक्चुअली कोविड के टाइम से ही बंद है और पता नहीं कब खुलेगा, ऐसा कुछ है नहीं। और दोस्तों, इस टेम्पल को हिज हाइनेस दलाई लामा का घर भी कहा जाता है। वो यहाँ पे हर साल 2 या 3 बार आते हैं अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेयर देने। सो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप मैक्लोडगंज में हैं, और अगर ये ओपन है तो यहाँ आपको ज़रूर आना चाहिए। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैक्लोडगंज की डल लेक में। सो गाइज, ये है मेरे पीछे छोटी सी डल लेक, बिल्कुल बीचों बीच फॉरेस्ट के बनी हुई है, और ये साइड में एक पाथवे है। इधर यहाँ पे सीट्स वगैरह दे रखी हैं, यहाँ पे बैठो और इस खूबसूरती के मज़े लो, इसको देखो। सो इट्स गुड यार, मतलब ठीक है, उतनी कोई ख़ास नहीं है, मुझे तो मतलब नहीं लगी। अब मैं ऑब्वियसली इसको कश्मीर वाली डल लेक से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट इट्स ओके यार, मतलब इट्स नॉट दैट गुड, इट्स ओके ओके। और दोस्तों, यहाँ से इस एंगल से जो व्यू आ रहा है ना, वो सबसे अच्छा आ रहा है। लेक पूरी दिख रही है, पीछे ट्रीज आ रहे हैं पूरे। सो गाइज, ये थी यहाँ की डल लेक, और अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ऊपर एक व्यू पॉइंट है छोटा सा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे और दिखाता हूँ आपको वहाँ से व्यू कैसे आता है। और ये इधर मेरे साथ कुणाल जी जुड़े गए हैं और बहुत अच्छा ब्लॉगिंग करते हैं। आप इसकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छे कर रहे हैं और मुझे तो उनके साथ बहुत मजा आया। सो गाइज, अब मैं आ गया हूँ नड्डी व्यू पॉइंट पे, और ये यहाँ का काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है। आप देख सकते हैं पीछे माउंटेन दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और जो पीछे यहाँ से दिख रही है वो है धौलाधार रेंज, तो काफ़ी सुंदर है ये देखिए। और पूरा यहाँ पे ऊपर बादल ही बादल है, और बीच में वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे एक स्नो कैप माउंटेन भी है, तो काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट है। सो इट्स रियली वर्थ कमिंग हियर। सो दिस इज़ नड्डी।
और दोस्तों आप यहाँ का जो व्यू पॉइंट है उसके लिए टेलीस्कोप भी है, इसका 10 रुपये चार्जेस है, इसके थ्रू देखना चाहें तो इसके थ्रू भी देख सकते हैं। सो गाइस अब मैं वापस आ गया हूँ नीचे मैक्लोडगंज स्क्वायर में, और नट्टी और डल लेक आप दोनों या तो टैक्सी या फिर ऑटो से जा सकते हैं। तो ऑटो की जो कॉस्ट है वो है 350 रुपीज़, और अगर आप कैब के थ्रू जाते हैं तो वो है कुछ 500-600 रुपये। सो इस तरह से आप यहाँ से नट्टी और डल लेक कर सकते हैं। एंड गाइस अगर आप मैक्लोडगंज में हैं तो यहाँ के मोमोज और मैगी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे मोमोज खाने। ये देखिए यहाँ पे आपको इस टाइप के स्टॉल्स हर जगह मिल जाएंगे मैक्लोडगंज में, और ये मेन स्क्वायर पे हूँ मैं यहाँ पे। तो भैया है यहाँ पे, भैया मोमोज होंगे ना इसमें सेम और दोनों है। अच्छा तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं मोमोज। तो दोस्तों ये आ गए हैं अपने गरम गरम मोमोज एकदम, और मैं खाता हूँ इनको। तो शाम को ये जो मार्केट है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है, यहाँ की जो वाइब्स है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाती है, क्योंकि शाम को यहाँ पे पूरी अब लाइटिंग वगैरह हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा। एंड हर शॉप पे डिफरेंट डिफरेंट लाइट है, तो काफ़ी यूनिक लग रहा है और बहुत ज़्यादा चहल पहल हो चुकी है। तो अब आप देखिए शाम को कैसे लगता है मार्केट, पूरा दिखाता हूँ आपको।